A very good day to you all. मैं आपकी दोस्त माला जैन स्वागत करती हूँ आपका इंस्पिरेशन जंक्शन में। अगर कोई आज हमसे पूछे कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो हमारा जवाब होगा बच्चों की एजुकेशन। वो पढ़ लें, आगे बढ़ लें, अपनी लाइफ बना लें, बस हम तो यही चाहते हैं। लेकिन इस पढ़ाई का कौन क्या फ़ायदा उठाता है, इस सब में सबका नज़रिया अलग अलग है। तो आइए रूबरू कराती हूँ आज आपको एक ऐसे वाक्य से जिसमें एक लड़की की शिक्षा को उसके पिता ने लॉटरी का टिकट समझा और कैसे उसे कैश कराने की सोचते हैं। आज की कहानी में एक तरफ है लड़के वाले चौबे जी और एक तरफ है लड़की वाले मिश्रा जी। चौबे जी का लड़का अशोक जो कि एमएससी पास है, नौकरी नहीं लगी है, लेकिन उसके पिता चौबे जी नौकरी के लिए निश्चिंत है कि आज नहीं तो कल लग ही जाएगी, तो पहले शादी करा दी जाए। और मिश्रा जी की लड़की ममता जो कि फर्स्ट डिविजन से एमए पास है, उनको भी उसकी शादी की जल्दी है। तो बाजार में मीडिएटर्स से पोस्ट ग्रेजुएट लड़के का भाव पता किया जाता है। मीडिएटर्स बताते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट का भाव 5 से 6 लाख चल रहा है, लेकिन अगर लड़का बेकार बैठा है तो बात 3 से 4 लाख में भी सेट हो सकती है। तो अल्टीमेटली 3.5 लाख में सौदा पटता है और दोनों की सगाई हो जाती है। सगाई को 1 महीना भी नहीं बीता था कि लड़के वालों के यहाँ चिट्ठी आती है कि अशोक की नौकरी लग गई है और उसका चयन डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुआ है। घर में खुशी के बजाय मातम का माहौल है। लड़के के पिता सरकार को निकम्मी कहना शुरू करते हैं। 1 महीने पहले चिट्ठी भेज देते तो आज डिप्टी कलेक्टर का रेट 40 से 50 लाख रुपए है। हमारा तो बड़ा नुकसान का घाटा हुआ श्रीमती। इस पर पत्नी कहती है, तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो, मैंने तो कहा था 6 महीने रुक जाओ, अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, इसकी नौकरी लग जाएगी। और अभी भी कौन सी देर हुई है, लिख दो लड़की वालों को चिट्ठी। वैसे भी मिश्रा जी समझदार आदमी है, इशारा समझ जाएंगे। चौबे जी को आइडिया बुरा नहीं लगा और उन्होंने मिश्रा जी को एक चिट्ठी लिखी, शब्दों का ऐसा जाल बुना और इतनी खूबसूरती से अपनी बात कही। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं ये चिट्ठी आपके सामने रख रही हूँ और पढ़ के भी सुनाती हूँ। प्रिय मिश्रा जी, अतरम कुशलम तत्रास्तु। आपको प्रसन्नता होगी कि अशोक का चयन डिप्टी कलेक्टर के लिए हो गया है। विवाह के मंगल अवसर पर यह मंगल हुआ, इसमें आपकी सुयोग्य पुत्री के भाग्य का भी योगदान है। आप स्वयं समझदार हैं, नीति व मर्यादा जानते हैं, धर्म पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। मनुष्य का क्या है, जीता मरता रहता है, पैसा हाथ का मैल है, मनुष्य की प्रतिष्ठा बड़ी चीज है, मनुष्य को कर्तव्य निभाना चाहिए, धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर हमें तो कुछ चाहिए नहीं, आप जितना भी देंगे अपनी लड़की को ही देंगे। वर्तमान ओहदे के हिसाब से देख लीजिएगा, फिर वरना हमें कोई और मैचिंग रिश्ता देखना होगा। अब यह चिट्ठी पहुंचती है मिश्रा जी के पास और मिश्रा जी इसको पढ़कर दुखी तो होते हैं और हैरान भी, और फिर वो जवाब लिखते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रिय चौबे जी, आपका पत्र मिला। मैं स्वयं आपको पत्र लिखने वाला था। अशोक की सफलता पर हम सब बेहद खुश हैं। आयुष्मान अब डिप्टी कलेक्टर हो गया है। अशोक चरित्रवान, मेहनती और सुयोग्य लड़का है, वह अवश्य तरक्की करेगा। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ममता का चयन आईएएस के लिए हो गया है। कलेक्टर बनकर आयुष्मती की यह इच्छा है कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी से वह विवाह नहीं करेगी। मुझे यह संबंध तोड़कर अपार हर्ष हो रहा है। यह देखिए, लड़की कलेक्टर बन गई है और लड़का डिप्टी कलेक्टर। अब लड़की नहीं चाहती कि अपने अंडर किसी लड़के से शादी करे। क्या जवाब दिया है मिश्रा जी ने, मजे आ गए। इसे कहते हैं नहले पे दहला। लेकिन यह ताकत, इस जवाब की ताकत उन्हें कहाँ से मिली? अपनी बेटी की पढ़ाई से, उसकी नौकरी से। देखिए, आज हम कितने भी मॉडर्न हो गए हों, लेकिन यह बात समझते हैं कि दहेज की कुप्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, और अगर इसे सच में जड़ से उखाड़ फेंकना है तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है, बेटियों की शिक्षा। वो पढ़ेंगी
आगे बढ़ेंगी तभी यह प्रथा खत्म हो पाएगी। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर हम एक लड़के को पढ़ाते हैं तो सिर्फ एक लड़का शिक्षित होता है, लेकिन अगर हम एक लड़की को पढ़ाते हैं तो एक पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। इस खूबसूरत से संदेश के साथ मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।